यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमहंसा स्वागत चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्ति लवे प्युदग्रम प्रेमणि प्रदर्शेति पाद सरोज शोभाम विघ्नान् निवारयति या भजताम समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतम् सा जानकी विजयते कुलदैवतम् लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणामम् उदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदि उदासी ताम देव देव महिषीं श्रीमां श्रयाम शिनोत्यति गुणैः कांतम् सीयते तद्गुणैस्तु या वात्सल्यादि गुणैः पूर्णा ताम सीताम प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसांतकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति वरवाम चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसे राम सरचाप धर वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगटो सप्त जहाज श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वंद्यारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उद्गट आदर्श संत सेवा प्रतिधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आ
आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री राम हृदय बिहारी जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबूजी महाराज की जय। इनके शताब्दी महोत्सव की जय। श्री बुआ जी की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम रसिकाचार्य की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। पुष्पाटिका में प्रवेश करने से पूर्व आज जिनका भगवत धाम में प्रवेश हुआ है उनके उपलक्ष्य में बुआ जी श्री रुक्मिणी बाई जी भजन ध्यान साधन इत्यादि में जिनका बड़ा प्रौढ़ रूप में प्रवेश था वो आज श्री निकुंज को प्राप्त हुई है। इसलिए इस उपलक्ष्य में श्री महामंत्र जी का थोड़ा सा हम लोग कीर्तन कर लें। हरे राम हरे राम 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 हरे Thank you.
पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की, श्री मंडप विहारिणी बिहारी जी की, श्री कोहबर विहारिणी बिहारी जी की, श्री चारो जुगल जोड़ी सरकार की, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की, श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्य। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। विशाली है जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत श्री मिथिला रस का आस्वादन कर रहे हैं। गुरुदेव की भावना के अनुसार जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि को दोबारा अवतार लेकर के आना पड़ा। एक दिन निवेदन किया था, गुरुदेव कहा करते थे वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने मिथिला प्रसंग को बहुत संक्षेप में वर्णन किया और रसिकों की खुराक देने के लिए आवश्यकता थी इसको बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करने, इसलिए प्रभु ने उन्हें संकेत दिया इस अभाव की पूर्ति के लिए आप एक बार और चलिए धराधाम पर और वे ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कौन वाल्मीकि? जो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोट रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म त्याग परायण अब भक्तन सुखदैन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो कलिकुटिल जीव निस्तार हित स्वयं श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। उस वाटिका प्रवेश के लिए दो दिन से रघुवर बड़ा आग्रह कर रहे थे, उतावले हो रहे थे। माली लोग नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी ये हमारे दृष्टिपथ से ओझल हो, इसलिए बातों में उलझा उलझा करके और उन्हें दरवाजे पर बहुत समय तक रोक रखना चाह रहे थे और इन्होंने भी अपने मन की कर ली। वैसे यहां के हिसाब से देखा जाए तो दो दिन रुकना पड़ गया प्रवेश पाने के लिए और वहां श्रीधाम में तो वहां दिन और रात इत्यादि का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां तो नतद भास है ते सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम अस्त। मिथिलानियों ने रघुवर को चेतावनी दी थी, नगर दर्शन में आपकी जीत हो गई है लेकिन पुष्प वाटिका में आपकी हार हो गई, अब वह अवसर आ रहा है। रघुनंदन पुष्प लेने लगे हैं, मालियों से अनुमति प्राप्त करके चाहूं दिसि चीते पूछी माली गन सीता गिरिजापुर
सरोवर में स्नान करके गिरजा मंदिर में भगवती गिरजा की पूजा में लग रही हैं, उसी समय एक सखी जो उनके द्वारा नियुक्ता थी, कल बताया गया था, देखो नारद बाबा ने भविष्यवाणी की, आपके प्रियतम प्राण धन प्रभु सर्वप्रथम कुश वाटिका में आपको दर्शन देंगे, तो कुश वाटिका का बहुत विस्तार है, देखो वे किस भाग में, क्योंकि आज के बाद तो कल धनुष यज्ञ होने वाला है, तो दर्शन का अवसर आज ही आज का है, तो देखो कहां वे मिलते हैं, जहां भी वे दिखाई पड़े मुझे सूचना दो, और साथ साथ मेरी मार्गदर्शिका होकर के मेरे आगे आगे तुमको चल करके वहां तक मुझे पहुंचाना होगा। इस सेवा में नियुक्ता वो सखी जाकर के और पुष्प वाटिका के एक भाग में जहां वे फूल और तुलसी दल ले रहे थे, इस बावरी ने उनका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद विवश हो गई। हम लोगों में से कोई सोचे कि कैसी रही होगी जो दर्शन से विवश हो गई, तो उसका दावा है कि मैं ही नहीं, अगर हृदय नाम की कोई वस्तु आप लोगों के पास भी है और नेत्र भी आपके पास है तो आप लोगों की भी यही हालत होगी ही, और नहीं तो बोले हम तो इतने प्रभावित नहीं होंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। तो गोस्वामी जी का कथन है कि तेरे पास हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं है, अगर कुछ है तो वह पत्थर का एक टुकड़ा है जो पसीजता भी नहीं है। जिन कर मन इंसान नहीं राता, जिनका मन इनमें नहीं लग गया
इनके दर्शन के बाद, इनका नाम गुण श्रवण के बाद, यहां तक कहते हैं कि ही फाटो विदीर्ण हो जाए वो हृदय, ही फाटो फूटो नयन, वो आंखें फूट जाए, जरो सुतन के ही काम, रुद्रवय श्रवय कुल के नहीं तुलसी सुमिरत राम। वो बावरी दावा कर रही है कि तुम सब भी जब उनको देखोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हाल हमारा हुआ है। श्री हरे नमः। कल निवेदन किया गया था, इस बावरी के उद्गार को रसिकों ने बहुत बहुत तरह से लाड़ लड़ा लड़ा करके अपनी भाषा भाव शैली में गाया है। कल क्रम चल रहा था, सखियां पूछ रही हैं क्या हुआ, तो ही डगर चलत गा भयोरी वीर, तो ही डगर बोलती है, बहुत देर तक तो बोलती नहीं, आंख नहीं खोलती, और कभी बोलने लग जाती तो कुछ बोलती बोलती फिर रुक जाती, फिर सखियां झकझोरती हैं आगे बता, तो कभी थोड़ा और बोल लेती है, कल जितना बोल चुकी थी उसके बाद स्तब्ध हो गई थी, अब आज फिर सखियां झकझोर करके और पूछ रही हैं, बताती क्यों नहीं है, कुछ बोल, कैसे बोलती बोलती रुक गई, तो कहती है कि क्या बताऊं, हम पे चला दियो टोना, हम पे चला दियो टोना, कौन बोले किशोर गोर शाम रो सलो, हम पे चला दियो टोना, जनकपुर
यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।